मैंने डिसाइड कर लिया वेट लॉस करूंगा तो जरूर करेगा। वेट लॉस करेगा तो जरूर करेगा, है ना? जरूर करेगा। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो ये है मम्मी। आज मैंने सोचा ब्लॉग बनाते हैं। मम्मी जब से यहाँ पर आई है मेरे पास, अभी है हमारे पास, आपको पता ही होगा ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स देखा होगा, तो जब से वो आई है वो कह रही है कि उनको भी वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, उनको भी डाइट चाहिए, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो फिर क्लाइंट्स का वेट लॉस करवाती हूँ, डाइट प्लान देती हूँ। मम्मी बहुत एक्साइटेड है, बहुत चार्जअप है, और शिमला से आने के बाद, घूम के आने के बाद, उसके तब से ही बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे है। मैंने बता दिया क्या क्या खाना है और बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। क्यों सोचा कि वेट लॉस करना है, वजन क्यों कम करना है, क्या सोचा? वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे लिए। अच्छा, वेट गेन कराते हैं। अच्छा, उन्होंने वेट गेन कर लिया, डॉक्टर ने भी बोला है कम। माय देम माय मॉम में 60 ही, इफ शी कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं ना, जो मेरे क्लाइंट्स है या फिर जो आप लोग फॉलोअर्स होते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, लुक एट हर, शी 60। एक्सरसाइज भी तो कर रही हो? अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन वॉक कर रही हो थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको नी में पेन है, तो वॉक वॉक, नी कैप, नी कैप है, नी में पेन है, हाँ, कमर में दर्द है, नी एज रिलेटेड। ओके, सो फॉर ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू मेक फॉर हर अ बेसन, वेजिटेबल बेसन का चीला। एग्स बना सकते थे, यूजुअली हम लोग एग्स खाते हैं, बट आज दोपहर को लंच में एग्स बनेगा, इसी वजह से ब्रेकफास्ट में अ वेजिटेबल बेसन चीला, वन फॉर हर विद सम कर्ड शी विल हैव। So for besan ka chila, I'm taking 3-4 tablespoons of besan. To that, I'm adding some chopped vegetables. You can add as many vegetables and whatever you like. Here, I'm using some green chili, chopped carrots and onions. Tomato bhi mujhe dena tha, but wo khatam ho gaya tha, to maine add nahi kiya. I'm adding some kasuri methi because she loves kasuri methi ka flavor in her besan ka chila. And upar se maine thoda sa pinch of salt add kiya and a little bit of turmeric powder. That's it. Ab isme hum dalenge thoda sa पानी। कंसिस्टेंसी जो बनाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिन एंड रनी भी नहीं, तो आपके हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे कंसिस्टेंसी इसका बनाती हूँ, बट अच्छे से मिक्स करना ताकि कोई लंप्स ना रहे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई एम गोइंग टू ब्रश सम ऑयल, लिटिल बिट ऑफ ऑयल, यूजिंग द प्योर न्यूट्रिशन वर्जिन ऑलिव ऑयल, इज रॉ कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर नॉर्मल कुकिंग, फॉर सैलड, ड्रेसिंग and so on and so forth. Also, you can use it on your body. So the Pure Nutrition's raw cold pressed virgin olive oil is obtained from pure olives without any synthetic chemicals or pesticide. क्योंकि ये cold pressed process में बना हुआ है, तो इसके जो essential naturally occurring nutrients है उसको retain करता है, ताकि आपको health benefits मिले, या आपके body में good cholesterol that is HDL को बढ़ाता है। Olive oil सिर्फ आपके heart के लिए ही नहीं, आपके skin के लिए भी बहुत अच्छा है, excellent moisturizer भी होता है, इसमें anti-inflammatory ingredients होता है, आपके collagen production में boost करता है, delay करता है anti-aging को, fine line wrinkles को भी reduce करने में help करता है, तो इसका आप खाने में and skin पे use कर सकते हैं, because ये completely pure है और बहुत ही सेफ है हमारे फुल बॉडी के लिए। ओके, सो अच्छे से फ्लिप हो गया है, सो इट्स प्रिटी, इट्स नाइस एंड इट्स क्वाइट फिलिंग एंड इट्स, अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। अच्छा, सम पीपल विद वॉन्ट टू नो वॉट इज हर मॉर्निंग ड्रिंक, शी डजेंट ड्रिंक एनी थिंग इन मॉर्निंग, सिर्फ सुबह उठ के नॉर्मल ल्यूकवॉर्म वाटर, दैट्स वॉट शी हैज फॉर इयर्स, बाकी कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा सूट नहीं होता है, जस्ट गिव इट टू हर एंड लेट्स सी हाउ शी लाइक्स इट। आई थिंक शी जस्ट वॉन्ट टू टेक अ शावर या पूजा करने गई है। ठीक है, ओके, ग्रेट, ऑसम, यस, ओके। अच्छा, अभी उनका जो डाइट प्लान मैंने बनाया है, इट्स अकॉर्डिंग टू हर रिक्वायरमेंट, हर एज, हर कंडीशन। वैसे थैंकफुली मॉम डजंट हैव एनीथिंग लाइक थायराइड, डायबिटीज, ऐसा कोई बीमारी अभी नहीं है। शी टेक्स हर विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट, जो एज के हिसाब से डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया, वो मल्टी विटामिन वो लेना पड़ता है, वो लेती है। हाइट इज 4'10", ओबेसिटी की तरफ है, तो धीरे धीरे कम करना है, ड्रास्टिक एज के हिसाब से ड्रास्टिकली कुछ कम नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकती है, बिकॉज एज इज अ इशू, राइट? बट द गुड थिंग इज हर डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने प्लान बनाया हुआ है, इनको क्या पसंद है, जैसे रोटी राइस दोनों ये खाती है, इनको साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो सब कुछ मिला जुला के उनको अच्छा लगे उनका प्लान, वैसे मैंने बनाया है। एंड बिकॉज आई एम देयर, आई एम गोइंग टू ऑफ कोर्स कंट्रोल एंड सी व्हाट फिट्स हर,
कुछ कुछ ऑफकोर्स बिकॉज इट्स एन एज विल बी अवॉइडेड. पहले उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई था, तो अभी बिकॉज मेडिकेशन पे है तो इट्स बेटर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद एज एट दिस एज स्पेसिफिकली हैपेंस इज आप कितना खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, ए. बी इज आपके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यू कैन नॉट जस्ट डंप दिस फूड दैट फूड ऑन अ 60-year-old. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ मच यू कैन ईट, हाउ शी फीलिंग, हाउ इज द गट फीलिंग. और बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एपेटाइट समझना. अगर उनको भूख नहीं लग रही तो जबरदस्ती में उनको बोलो ये खाओ, ये अच्छा है तो ये खाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट. एंड दैट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस मोस्टली, ओके, स्पेशली एट दिस एज विद सम मेडिकल लाइफ स्टाइल इशूज एंड डिजीजेस एंड कंडीशंस. सो या दैट्स वॉट इट इज. बट ओबिसिटी तो या कम करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको नी पेन बैक पेन है क्रॉनिक, एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट कंट्रोल में रह जाए. तो अगर मैं वो फॉलो कर पाएगी तो उनके लिए अच्छा होगा. सो या लेट्स सी हाउ इट गोज एंड नाउ लेट्स मूव ऑन कि लंच पे क्या खाएंगे आज वो. तो ये मेरी मम्मी का लंच है, वो क्या खा रही है थोड़ा बता दो क्या क्या है प्लेट. मल्टीग्रेन रोटी, एक मल्टीग्रेन रोटी, सैलड, सैलड, भिंडी आलू सब्जी, भिंडी का सब्जी है और वो है एग वाइट करी. तो ये है आज का लंच और ये मल्टीग्रेन रोटी. तो हम लोग खा रहे हैं राइस, ये पापा खा रहे हैं राइस फुल एग, बट मम्मी एकदम वेट लॉस डाइट पे एकदम बढ़िया. मतलब माय कुक हैज मेड दिस क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर. अच्छा है, कुछ खाया है तो नहीं है, एक ही तो बाइट लिया रोटी का. रोटी ठीक है, मल्टीग्रेन रोटी उन्होंने पहले खाया नहीं है, पहली बार ट्राई कर रहे मेरे घर पे पहली बार. यूजली तो बंगाली इतना मल्टीग्रेन रोटी खाते नहीं है, बट मेरे घर पे मल्टीग्रेन रोटी रहता है तो उनको अच्छा ही लग रहा है. ठीक है ना, टेस्ट ऑफ गुड गुड. तो यही है हेल्दी मील. चलो चलो उस रूम में चलते हैं, अभी वॉक करके आई है. ओके सो अभी मैं भी अपना वर्कआउट शाम को कर ली है, मम्मी भी वॉक करके आ गई. ज्यादा तो वॉक करनी पड़ती, 1.5 किलोमीटर नीचे सोसाइटी के नीचे ही चलती है क्योंकि वो बारिश हो रहा है, बारिश भी हो रही है. हाँ सो और नी पेन भी है और बैक पेन भी है, ज्यादा वॉक कर भी नहीं पाती है, एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाती है. सिर्फ वो जो 16 बार फिजियो, जो बेसिक फिजियो मूवमेंट फॉर बैक, हेल्दी बैक, वो उस टाइप वाला, नॉट कैलोरी बर्निंग, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज उनका एज अलग है. सो ऑफकोर्स इश्यूज भी है. बट अभी रात को अभी क्या उत्तपम आज है मेन्यू में, उत्तपम पसंद है ना उनको, साउथ इंडियन, शी लव साउथ इंडियन फूड, बहुत अच्छा लगता है उत्तपम. हाँ और अगर किसी को लग रहा है कि राइस खाती है कि नहीं, हाँ हाँ राइस भी खाती है, बट इतना सा. कितना खाती हो राइस तुम दिखाओ, इतना सा, बहुत कम राइस खाती है क्योंकि बंगाली है ना हम लोग, तो राइस तो हम स्टेपल है, खाएंगे ही. बट हाँ, और रोटी राइस दोनों ही खाती है, बहुत कम क्वांटिटी में. और कुछ बोलना चाहोगी? अच्छा मम्मी चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीती शाम को, भूख नहीं लगती तुमको? शाम को वो कभी भूख नहीं लगती है, वो कह रही है कि लाइफ में कभी शाम को भूख नहीं लगी है. इवनिंग स्नैक्स हम लोगों को लगती है ना, नॉर्मल लोग, मैंने कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं लिया लाइफ लॉन्ग, कभी उनको नहीं लगती है. बस हाँ, अगर आप कोई समोसे या जंक आके रख दे तब तो खा लो. समोसे हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो जंक कुछ भी, जंक फूड लगता, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन हमको कैडबरी भी बहुत अच्छा लगता है. कैडबरी बहुत अच्छा है, तो अगर आप सामने रख दोगे तो खा लेंगे. बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है कैडबरी. बट अपार्ट फ्रॉम फ्राई, आई डोंट लाइक एनीथिंग फ्राई. अच्छा, यू लाइक शुगर, शुगर ना, उनको शुगर का क्रेविंग रहता है. नहीं, अभी चाय कॉफी लाइफ में नहीं पिया है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड हैबिट की वेट लॉस में इजी होता है ऐसे लोगों के लिए. और दूध भी अभी नहीं पीती है क्योंकि दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सिर्फ दही लेते हैं, दही लेती है, पनीर लेते हैं, पनीर दही ये सब, वो भी घर में जमी हुई दही और घर पे वही इजी वाला, घर में बनी हुई फ्रेश पनीर, छेना जिसको कहते हैं ना, छेना बनाती है, बहुत अच्छा बनता है. तो चलो अभी हम प्रिपरेशन करते हैं और किचन चलते हैं, डिनर की प्रिपरेशन करते हैं. इनका डाइट का डिनर आज मिक्स वेज उत्तपम बनेगा. चलो देखते हैं कि कैसे हम उसको, चलो देखते हैं कि हम उसको कैसे बनाते हैं. ठीक है, चलो किचन में चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं. ओके ठीक है, टाटा. और इस बैटर को हम ऐसे बना के थोड़ी देर के लिए रख देंगे. और ये मैं बहुत अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, इट्स अ वेरी क्विक इजी थिंग टू मेक एंड बहुत टेस्टी होती है, यू लव इट इफ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी. आधा घंटे बाद कुछ ऐसा है, तो इसमें है दही, रवा. मम्मी ने पहले रवा को, सूजी को भिगो के रखा था ऑलमोस्ट कुछ टाइम तक इन वाटर,
तो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे बनी है 50-50 रेशियो में ना वाटर एंड सूजी लेकर, तो कंसिस्टेंसी इनकी कुछ ऐसी बनती है। वेरी क्विक इजी टू मेक डिश। तो डिनर कैसे बना है, कैसा है? उन्होंने खुद ही, आपने खुद ही बनाया है। और उत्तपम एक्चुअली मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, और ये आप कोई भी अगर वेट लॉस कर रहे हो तो रात के लिए बहुत अच्छा एक, आज मेन्यू में उत्तपम थी उनके डाइट चार्ट में, तो आज उन्होंने ये बनाया। गुड जॉब, गुड जॉब, आई लाइक हाउ यू डिड द एंटायर डे। दिस आर डिनर, इट्स नॉट इवन 8 राइट नाउ, उससे पहले ही वो अपना डिनर कर ली, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay, so this was today. This is what she ate. This is what she ate today. How's your weight loss journey going? It just started. अभी 4-5 दिन ही हुआ है, but अच्छे से चल रहा है। बाहर जैसे बोला है once a week one meal cheat allowed, है ना, वो तो allowed हो गई, but वो भी बहुत control में कर रही है। I think she's doing a pretty good job. 700 grams lose भी किया अभी तक, तो अब देखते आगे चल के क्या होगा। Within five days she lost 700 grams. तो मेजरली उनका ऐसे ही 3 or 4 मील्स रहता है दिन का। हाँ, और पेट तुम्हारा भरा हुआ रहता है या भूख लगता है, कैसा है बताओ? कभी नहीं लगता है, भूख कभी नहीं लगता। वो उनका डाइट एंजॉय कर रहा है? आप डाइट एंजॉय कर रहे? गुड, एंजॉय कर रहा है। देखा, देखो एंजॉय कर रही है। अब बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, दूसरों का वेट लॉस करवाती है तो आपका भी तो करवा ही सकती है। बेस्ट पार्ट इज दैट की चैलेंज है, चैलेंज तो है, चैलेंज है। बेस्ट पार्ट इज शी 60 इयर्स ओल्ड, पर कितने अच्छे से कर रही है। तो अगर आप 30s में हो, 40s में हो, 50s में, आप आराम से आसानी से और भी कर सकते हो अगर डेडिकेशन और कंसिस्टेंट रहोगे। काफी कंसिस्टेंट हो आप, ये बात सच है। 4-5 दिन ही हुआ है बट, और आगे भी होगा ना? होगा। और पूजा भी, दुर्गा पूजा भी आने वाला है, अभी थोड़ा सा कम होगा। फिर आपके वो नी के लिए बैक पेन जो इश्यूज रहते हैं वो कम, ओबेसिटी से वो सब अच्छा नहीं होता, कम हो जाते हैं। अभी उनका हाइट 4'10" है, तो है ना, अभी जितना कम हो सकता है उतना अच्छा होगा। फिर है बाकी वो दवाई तो लेती ही है, उनका जो भी स्टैंडर्ड रूटीन आपका दवाई रहता है, राइट? और कुछ बोलोगे? चलो फिर बाय बाय कर दो। बाय बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट कमेंट करके बता दो। हाँ, बेस्ट विशेस चाहिए इनको। अब बोलिए, अब बोलिए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। तो दिस इज जस्ट, मैंने ये वीडियो से दिया ताकि इंस्पिरेशन मिले आप सभी को जो वेट लॉस करना चाहते हैं। इफ शी कैन डू एंड बी सो, यू नो, सो डिटरमाइंड एट द एज ऑफ 60, एनीबॉडी एट आवर एज कैन इजीली डू इट। मैं ये अपने क्लाइंट से भी कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं, कि आप कंसिस्टेंट रहे, डेडिकेटेड रहे, प्यार से करे, मतलब अपने लिए कुछ कर रहे हो ये सोच के हमेशा करे, एंड यू सी द बेनिफिट। एंड बाय बाय कर दो, टाटा।